हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे चाहने वालों के लिए, और मेरे लिए भी बहुत ही खास दिन है क्योंकि गाइस मैं ट्रेडिंग में कुछ लॉस होने के बाद मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था 29 अप्रैल को। तो फाइनली 29 अप्रैल को वीज़ा अप्लाई करने के बाद मेरा 3 तारीख का अपॉइंटमेंट मिल गया था। 3 मई का, 3 मई को मैंने अपॉइंटमेंट जाके दिया बीकेसी बांद्रा में, मुंबई में जो पड़ता है, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट देने के 9 दिन के बाद आज 12 तारीख है और 12 तारीख को मेरा वीज़ा का मैसेज आ गया था कि आपका वीज़ा आ चुका है और आप वहाँ से ऑफिस में जाके कलेक्शन कर सकते हैं, और एक कॉल भी आया था कंपनी से। तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि जो वीज़ा से VFS ग्लोबल से मैसेज आता है कंफर्मेशन का कि आपका वीज़ा आ गया है और आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा वीज़ा का जो पैकेज वहाँ से मिला है। इसके अंदर पासपोर्ट है और पासपोर्ट के अंदर वो स्टैम्प लगा के मिल जाता है, जो वीज़ा का स्टैम्प होता है वो लगा के हमें मिल जाता है। तो अभी थोड़ी देर में इसको फाड़ के हम देखने वाले हैं कि स्टैम्प कैसा है। हालांकि इसके पहले भी मैं 2 बार UK जा चुका हूँ, ये मेरा 3rd time है। मैं बॉलीवुड में एज ए लाइटमैन टेक्नीशियंस काम करता हूँ, तो मैं उन्हीं के थ्रू जाता हूँ हमेशा। तो मैं आज ये आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और कितने दिन के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो गाइज, इसमें आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखेगा जिसमें पेमेंट दिखाएगा आपको कि 10,639 रुपये का मेरा चार्जेस लगा हुआ है, जो कि मेरा नहीं लगा हुआ है, जिस कंपनी ने मुझे भेजा हुआ है उस कंपनी का चार्जेस लगा हुआ है, मेरा 1 रुपया भी इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। तो भाई 10,639 रुपये का ये चार्जेस है टोटल फी। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो वो 3 साल का आपको लगेगा, बैक 3 साल का, और 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। और उसके बाद अपने पास आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए, कंपलसरी है। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी है ये मेरा लगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी मुझे भेज रही है उन्होंने सारा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, मेरे डॉक्यूमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज़, ये था इन्फॉर्मेशन। और मेरा वीज़ा तो आ गया 6 महीने का, ये विजिट वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री, मतलब 6 महीने तक मैं कितनी बार भी जा सकता हूँ और कितनी बार भी आ सकता हूँ, मल्टीपल टाइम जा सकता हूँ, मल्टीपल टाइम आ सकता हूँ मैं। तो भाई, मेरे लिए ये तो बड़ा ही अच्छा दिन आज का है। तो अच्छा दिन इसलिए था क्योंकि वीज़ा आया, तो मैंने सोचा अपने YouTube फैमिली को भी बता देता हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।